हम बात करेंगे हमारा के हम लास्ट टेन इयर्स के सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द डेफिशिएंसी कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम कौन से विटामिन से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है उसकी डेफिशिएंसी से 2015 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है विटामिन सी सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद एच 2014 का ये क्वेश्चन है याद रखना अगर ग्लूकोज को एच के साथ आप रिएक्ट करो और आप इसकी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करो ठीक है काफी देर तक आप इसकी हीटिंग करते हो तो याद रखना ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एन हेगेन में और इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में सिक्स कार्बन की क्या है चेन प्रेजेंट है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम दस डायसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 2020 का क्वेश्चन है तो कौन सा डायसेक्राइड जब भी हाइड्रोलिस होती है दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है तो वो होता है हमारा माल्टोस ठीक है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की राइट द प्रोडक्ट वेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद्रेटेड एच एन ओ थ्री टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है

याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ठीक है और जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम पोजिशन में तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से ज्वाइन करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाय फोसफो लिंकेज ठीक है तो जो न्यूक्लियोटाइड्स में लिंकेज प्रेजेंट है दैट इज लिंकेज उसी से हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अमीनो एसिड 2014 का क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनमें क्या प्रेजेंट होता है कंटेनिंग बेसिक एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज अमाइनो ग्रुप एन एच टू तो उससे इसका नाम आ गया अमाइनो और साथ में एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है सी ओ ओ एच विच इज कार्बोक्सिल ग्रुप तो उसी से इसका नाम आता है अमीनो एसिड और जो आर होता है वो होता है हमारा साइड चेन और अमीनो एसिड कंबाइन करके हमारा बनाते हैं प्रोटीन्स नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन है नेम द ओनली विटामिन विच कैन बी सिंथिसाइज इन अवर बॉडी नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ दिस विटामिन टू थाउजेंड थर्टीन का क्वेश्चन है जो विटामिन हमारी बॉडी में सिंथिसाइज हो सकता है दैट इज विटामिन डी ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में विटामिन डी बन सकता है दो तरह की डिजीज कॉज कर सकते हैं चिल्ड्रन में ये कॉज करता है रिकेट्स रिकेट्स में क्या होता है जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती है डिफॉर्म हो जाती है और एडल्ट में ऑस्टो मलेशिया ऑस्टो मलेशिया में क्या होता है जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं एंड जॉइंट में पेन होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की राइट द प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ लेक्टोस लेक्टोस की हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है 2019 का क्वेश्चन है याद रखना लेक्टोस एक डाइसेक्राइट है जब आप उसकी हाइड्रोकलिस करते हैं तो आपके दो मोनोसेक्राइड बनते हैं एक बनता है आपका बीटा डी ग्लूकोस और साथ में बनता है बीटा डी गलेक्टोस नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन है राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेल्युलस 2016 का ये क्वेश्चन है याद रखना स्टार्च और जो सेल्युलोज है दोनों ग्लूकोस के बनते हैं पर इन दोनों में डिफरेंस क्या जो स्टार्च है वो लीनियर एंड ब्रांच्ड उसमें लीनियर चेन भी है ब्रांचिंग भी है एंड इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जॉइन करते हैं बाय अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और सेल भी क्या है ग्लूकोज का बना हुआ है बट इट इज ए लीनियर पॉलीमर लीनियर पॉलीमर होता है बट कौन सा ग्लूकोज होता है बीटा डी ग्लूकोज से ये बनता है ज्वाइंट बाय बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नेक्स्ट हम बात करते सी e e से होता है वो डेफिशिएंसी डिजीज बता रहे हैं टू थाउजेंड थर्टीन का एक क्वेश्चन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन ई e की डेफिशंसी से होता है मस्कुलर वीकनेस तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड 2016 का क्वेश्चन है याद रखना दोनों न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटो शुगर नाइट्रोजिनस बेस और पेंटो शुगर मिलकर हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड साइड वेर एस न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं एक होता है नाइट्रोजिनस बेस पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तो इन तीनों से बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की नेम टू कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च 2013 का क्वेश्चन है याद रखना स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं एक स्ट्रेट चेन कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं अमाइलोस होता है और दूसरा क्या होता है ब्रांच कंपोनेंट कॉल्ड एस अमाइलो पैक्टिन और ये वाटर इन होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और टर्म्स है हमारी एनोमर्स 2014 का क्वेश्चन है ठीक है अब एनिमर्स क्या होते हैं दे आर द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ये एक स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं विच डिफर ओनली इन द कंफिग्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड ग्रुप एट कार्बन वन कार्बन वन पे जो ओ OH की पोजिशन है वहां पर डिफर करते हैं इसके एग्जाम्पल हम बात करेंगे ग्लूकोज की ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कार्बन वन और कार्बन फाइव के बीच में बॉन्ड होता है

विच ऑफ द फॉलोइंग डायसेक्राइट्स इनमें से कौन सा डाइसेक्राइट है हमें दिया हुआ स्टार्च माल्टोस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है याद रखना जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसेक्राइट है वो ग्लूकोज का बनता है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइट है तो अगर हम बात करें माल्टोस की माल्टोस है हमारा डायसेक्राइट ये बनता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट से सो so दैट्स जो माल्टोस है वो है हमारा क्या है इसमें डायसेक है ये है है हमारा क्वेश्चन 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 नंबर 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 नेक्स्ट हम बात करें 15 15 की हाउ आर विटामिन एंड हार्मोन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स एंड फंक्शन 2013 का ये क्वेश्चन है हार्मोन्स और विटामिन का हमें डिफरेंस बताना है सबसे पहले हम उसके सोर्स की बात करेंगे जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं कुछ ग्लैंड में उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में ठीक है विटामिन की बात करेंगे विटामिन एक्स एंड विटामिन डी आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं सो दे मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट तो आपको आउटसाइड सोर्स से फूड से आप विटामिन लेते हो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की द बायोमोलिक्स विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल टू अस्टेंट टिश्यू और ऑर्गन जो हॉमोन होते हैं याद रखना बॉडी को क्या करते हैं उसकी फंक्शन में हेल्प करते, करते हैं कंट्रोल करते हैं बॉडी को ठीक है उसके फंक्शन को तो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल्स टू डिफरेंट टू डिस्टेंट टिश्यू और ऑर्गन तो एक सेल से टिश्यूज और ऑर्गन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी अगर विटामिन की बात करेंगे दे आर असेंशियल डाइटरी फैक्टर्स तो डाइट में ये काफी इंसेंशियल होते हैं रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट क्वांटिटी जो विटामिन होते हैं ये हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं काफी माइन्यूट क्वांटिटी में और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए यूजफुल होते हैं ये है हमारे विटामिन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की राइट द नेम ऑफ द लिंकेज जॉइनिंग द टू मोनोसेक्राइट टू थाउजेंड का क्वेश्चन है तो याद रखना चाहे अगर आप मोनोसेक्राइट्स को ज्वाइन करके डाय बना रहे हो या पॉलिसेक्राइट्स तो जो लिंकेज प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन द टर्म और हमारी टर्म है इंसाइम्स 2014 का क्वेश्चन है इंसाइम्स क्या होते हैं दे आर असेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है डिफरेंट रिएक्शंस होता है तो उन रिएक्शन को ये क्या कर देते हैं स्पीडअप कर देते हैं दे आर बायोलॉजिकल कैटलीस विच आर नीडेड टू कैटिलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन तो हमारे बॉडी में क्या होता है जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उसको ये स्पीडअप कर देते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इंजाइम्स नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एटीन की मैंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अवर बॉडी टू थाउजेंड थर्टीन का क्वेश्चन है जो न्यूक्लिक एसिड है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है जैसे डीएनए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर तो ये ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर कर सकता है एक जनरेशन से अनदर में तो इसे ही हम बोलते हैं हेरिडिटी ठीक है और ऑल्सो जो न्यूक्लिक एसिड है सच एस डी एन एन आर एन ए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन साइड द सेल नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप वन क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन दो मार्क्स के हैं क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म हमें फॉलोइंग टर्म डिफाइन करना है पहले दिया हुआ है हमें ऑलिगोसेक्राइड्स ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिस गिव टू टू टेन मोनोसेक्राइट ये कार्बोहाइड्रेट है और जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको दो से दस तक आपको यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइट्स मिलते हैं एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड लेटोस ये दोनों हमारे किस में आते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स में आते हैं हाइड्रोलिस पे ये दो यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा इन्वर्ट शुगर इन्वर्ट शुगर क्या होता है याद रखना जो सुक्रोज है जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं सो इट गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ तो इक्वल इक्वल कंसेंट्रेशन का मिक्सचर बनता है हमारा डी प्लस ग्लूकोज का एंड डी नेगेटिव फ्रक्टोज का इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर अब इसका नाम इन्वर्ट शुगर क्यों पड़ा क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है सुक्रोज होता है इसकी होती है डेक्सटोरोटेशन अगर आपने एच और एच प्लस में अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो याद रखना ग्लूकोस और फ्रेक्टोस बनाएगा जो ग्लूकोस है इसमें डेक्सट्रो रोटेशन होता है प्लस फिफ्टी और फ्रैक्टोस में लीवो रोटेशन माइनस तो ओवरऑल जो मिक्सचर है इसमें रोटेशन हो जाता है नेगेटिव ये हो जाता है लीवो रोटेशन -oh तो डेक्सट्रोस रोटेशन से लीवो रोटेशन -oh हो रहा है सो दैट्स वाई इसमें क्या हो रहा है इन्वर्शन हो रहा है हमारा रोटेशन का सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है सबसे पहले हमें दिया हुआ है डी नेचर प्रोटीन डी नेचर प्रोटीन क्या होता है native protein, native protein याद रखना जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है एंड इट विल परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शंस जो डिफरेंट फंक्शंस करता है अगर आपने प्रोटीन में कुछ फिजिकल चेंज लाया लाइक like चेंज 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 इन इन और केमिकल लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिस्टर्ब तो अगर आप कुछ भी केमिकल और फिजिकल चेंज लाते हो तो याद रखना प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है एज ए रिजल्ट जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर सकता है लूज कर सकता है और उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं डी नेचर प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है कॉग्युलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉयलिंग तो अगर आप एग वाइट को हीट कर रहे हो तो बॉइल कर रहे हो तो याद रखना उससे क्या हो जाता है जो प्रोटीन है उसमें कागुलेट हो जाता है और वो प्रोटीन बन जाता है हमारा डी नेचर्ड प्रोटीन नेक्स्ट हम बात करेंगे असेंशियल अमीनो एसिड की असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं द अमीनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथिसाइज इन द बॉडी जो हमारी बॉडी में सिंथिसाइज नहीं हो पाते हैं सो यू हैव टू टेक दैम थ्रू द डाइट सो मस्ट बी ऑबटेन थ्रू डाइट तो आप इसे डाइट से लेते हो तो इसे हम बोलते हैं essential amino acid, example है हमारा वैलिन एंड अर्जेटीन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द आर एन एंड डी एन ए टेंड थर्टीन का यह क्वेश्चन है सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डी एन एंड आर एन ए जो डीएनए होता है वो याद रखना उसमें उसमें दो होते हैं होता होता है है सिर्फ एक ही single strand present होता है। अगर हम बात करें डीएनए की उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है हमारा डी ऑक्सी और जो आर में शुगर प्रेजेंट होता है that is called as ribose. अगर की बात करें जो डीएनए है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और इट इज हेरिडेट्री ठीक है अगर हम आर की बात करें जो आर है इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड है एनुमरेट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन स्ट्रक्चर 2014 का क्वेश्चन है ओपन स्ट्रक्चर में याद रखना ग्लूकोज के हमारा जो एल ग्रुप होता है वो क्या होता है फ्री होता है बट ये जो रिएक्शंस हैं वो एल डी की रिएक्शन है बट वो रिएक्शन ओपन स्ट्रक्चर नहीं शो करता है तो अगर हम बात करें डी डी ग्लूकोज की इट डज नॉट रिएक्ट विदडियम बाई सल्फाइड जो सोडियम फाइ सल्फाइड की रिएक्शन है वो एल आराम से दे सकता है बट ओपन स्ट्रक्चर ये रिएक्शन शो नहीं कर पाया ली इट डज नॉट शो रिएक्शन ऑफ टू फोर डी एन पी टू फोर डीएनपी टेस्ट एंड शिप टेस्ट भी शो नहीं कर पाया जो एल डी हाइड कर सकते हैं थर्ड द पेंटा एसिडेट ऑफ डी ग्लूकोज डॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सेलामाइन जो पेंटा एसिडेटा वो हाइड्रोक्सिलइन के साथ रिएक्ट नहीं कर किया नॉर्मली जो एल डी हाइड है वो हाइडोक्सिलइन के साथ रिएक्ट कर सकता है विच शोज एबसेंस ऑफ फ्री सी एच ओ ग्रुप

एंड एसिडिक ग्रुप विच इज कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज सी ओ एच ग्रुप ठीक है इन सेम मॉलिक्यूल सो एज ए रिजल्ट एसिड और बेस दोनों के साथ ये कर सकते हैं एंड एम्फोटेरिक इन नेचर ये हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है सी एच आर साइड चेन है एन एच टू एंड सी ओ एच यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये बेसिक होता है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है सी ओ एच हाइड्रोजन लूज कर सकता है सो एज ए रिजल्ट ये क्या है एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है अमीनो एसिड का सेकेंड पार्ट है हमारा राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा अल्फाइलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स में याद रखना सिर्फ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है और वो जो चेन है वो आपस में स्टेबल होता है बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट बीटा प्लीटेड शीट जो होती है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है उसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और वो चेन एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इसके बीच में क्या होता है बीटा प्लीटेड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उससे वो स्टेबल होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हमारे थ्री मार्क्स के हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड एंड नेम द विटामिन रिस्पांसिबल फॉर द कागुलशन ऑफ ब्लड टू थाउजेंड फिफ्टीन का ये क्वेश्चन है याद रखना विटामिन को हमने क्लासीफाई किया टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी हमने सोलिबिलिटी solub के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया सोलबिलिटी इन वॉटर एंड फैट So, दो तरह के विटामिन एक होता है हमारा फैट सोल्वल विटामिन जो फैट में डिजोल्व हो सकते हैं एग्जाम्पल हमारा है विटामिन ए डी ई के और वाटर सोलबल विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं हमारे विटामिन बी का पूरा ग्रुप है एंड विटामिन सी हम नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द विटामिन विटामिनपॉन्सिबल फॉर कॉग्यशन ऑफ ब्लड कागुलेशन ऑफ ब्लड में हमारा विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है राइट केमिकल रिएक्शंस टू शो दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेनोइन टू थाउजेंड नाइन का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होता है तो ग्लूकोज को जब आप एच आई के साथ हीट करोगे तो आपका क्या बनता है फॉर लॉन्ग पीरियड आपका बन जाता है एनहेक्न और एनहेक्न बनने से हमें पता चलता है कि इट हैज स्ट्रेट चेन ऑफ सिक्स कार्बन इन ग्लूकोज क्योंकि में क्या होता है चेन होती है होती कार्बन की तो इससे हमें सिक्स कार्बन का चेन है सेकेंड और एल्कोहल ग्रुप तो हमें बताना ग्लूकोज में पांच ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं इसकी एसिटाइलेशन कर सकते हैं आप ओएच ग्रुप की एसिटाइलेशन कर सकते हो आप यूज करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड और आपका बनेगा पेंटा एसिटेट तो ये हमारी एस्टिफिकेशन रिएक्शन है तो हमने क्या लिया है ग्लूकोज और हमने लिया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट किया तो याद रखना इसमें सी एच थ्री सी ओ ग्रुप जो है सी एच ओ के साथ जुड़ जाएगा हमारा बनेगा सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री इसे बोलते एसिटाइलेशन जिसमें सी एच थ्री सी ओ ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पांच ओ एच OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट और ग्लूकोज पेंटा एसिडेट फॉर्मेशन से हमें पता चला कि इसमें पांच एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें थर्ड है एल्डिहाइड एज ए कार्बोनाइट ग्रुप हमें बताना है ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर जो ब्रोमीन वाटर है याद रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है कीटोन को ऑक्सीडाइज वो नहीं करेगा तो ग्लूकोज में क्या होता है जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सी ओ ओ एच में और हमारा बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड तो ग्लूकोनिक एसिड बनने से हमें कंफर्म हो जाता है प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द ग्लूकोज नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की इसका ए पार्ट है गिव टू डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन टू थाउजेंड थर्टीन का क्वेश्चन है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं दे हैव स्फेरिकल स्फेरिकल शेप शेप इनकी होती है विच रिजल्ट वन द चेन ऑफ पॉलिपेप्ट कॉल अराउंड जब चेन ऑफ पॉलिपेप्टाइट क्या करती है कॉल करती है तो स्फेरिकल शेप बनती है उसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन वेर एस फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं दे आर थ्रेड लाइक एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है इट विल रन

वर्ड चेंजेस अगर इन नेचर ऑफ एग प्रोटीन ऑन बॉयिंग कभी भी आप एग को बॉइलिंग करते हो तो उसके नेचर में क्या चेंज होती है तो बॉयलिंग से याद रखना जो एग है वो क्या हो जाता है उसका जो प्रोटीन है इट गेट्स डी नेचर उसमें डी नेचरिंग होती है और जो याद रखना प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है क्योंकि हीट करने से याद रखना हाइड्रोजन बॉइडिंग ब्रेक हो जाती है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की वट आर असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड Give two of 2014 अमीनो एसिड एंड मस्ट बी ऑप्टेन थ्रू डाइट तो हमें से डाइट से लेना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में सिंथिसाइज नहीं हो सकते एग्जाम्पल वेलिन एंड ल्यूसिन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथिसाइज हो सकते हैं कैन बी सिंथिसाइज इन बॉडी एग्जाम्पल है एलोनिन एंड एसिड तो हमें इसे आउटसाइड सोर्स से नहीं लेना पड़ता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन एट है गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है प्लॉजिबल मीन्स रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ए पार्ट है हमारा ग्लूकोज डॉट गिव टू फोर डी एन पी टेस्ट जो ग्लूकोज है वो टू फोर डी एन पी टेस्ट नहीं दे सकता Mostly, जो टू फोर डी एन पी टेस्ट है ऐसा क्यों है एज ए रिजल्ट ग्लूकोज डॉट गिव टू फोर डी एन पी टेस्ट सेकेंड पार्ट है हमारा द टू स्टैंड इन डी एन ए आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्पलीमेंट्री डीएनए के दो स्टैंड होती है बट वो आइडेंटिकल नहीं होती बट वो कॉम्पलीमेंट्री होती है इसका मतलब क्या है? कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक डीएनए की जो दो स्टैंड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और दो बेसिस के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो याद रखना दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ग्वानी एंड साइटोसिन के बीच में क्या होता है थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो अगर एक स्टैंड में है, तो दूसरे स्टैंड में क्या प्रेजेंट होगा थायमिन प्रेजेंट होगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक तरफ ग्वानिन प्रेजेंट है दूसरी तरफ साइटोसिन प्रेजेंट होगा तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो एक ए है एक तरफ टी होगा जी की जगह सी सी की जगह जी ए की जगह टी तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड दोनों स्टैंड का ए, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे एंड दे आर नॉट आइडेंटिकन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग सबसे पहले दिया हुआ है हमें अमाइलोज एंडलोन टू थाउजेंड नाइनटीन का ये क्वेश्चन है जो है याद रखना इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है डी ग्लूकोज का और अमाइलोस पैक्टिन इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ द डी ग्लूकोज यूनिट इसमें ब्रांचिंग होती है अमाइलोसपैक्टिन में जो अमाइलोज है इट इज सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और जो अमाइलोपेक्टिन है इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर जो अमाइलोज है इट विल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 15 टू 20 20 जो स्टार्च होता होता है है उसका 15 टू पार्ट हमारा ट्वेंटी और जो अमाइलोपैक्टिन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 80 टू 85 परसेंट ऑफ द स्टार्च क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है पेप्टाइड लिंकेज एंड द ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है इट इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू मोनोसेक्रेट याद रखना दो मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिटिक लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड अब याद रखना ग्लाइकोसेटिक लिंकेज इट इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें जो भी आपको बॉन्डिंग दिखेगी दैट इज ग्लाइकोसिटिक लिंकेज और प्रोटीन्स में जो भी आपको बॉन्डिंग दिखेगी दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज अब याद रखना जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कार्बन ऑफ वन मोनोसेक्राइड

यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे ओ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा सी एच ओ एच सी एन इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट नेक्स्ट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो याद रखना ये जो एल ग्रुप है वो क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है इजिली ब्रोमीन वाटर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो ये सी में कन्वर्ट हो जा, जाता है हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड और थर्ड रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो आपका बनता है ग्लूकोज पेंटा एसिडेट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी आई होप आपको बायो मॉलिक्यूल्स के पी वाई क्यू समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख सकते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय